लगातार खबरों की। आपको बता दें कि आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र के सतपुरा पीपल रास्ते पर खनन माफियाओं ने एसआईओ को गोली मारी। एसआई को गोली मारी गई। गोली लगने से दरोगा की हालत गंभीर है। ये अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे और उसके बाद हम आपको 100 की रफ्तार से खबरें बताएंगे। लेकिन फिलहाल दरोगा को गोली मारी गई, खनन दरोगा को गोली मारी है। आगरा से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर खनन माफियाओं को रोकने के दौरान खनन माफियाओं ने दरोगा को मार दी। घायल एसआई निशामक त्यागी को किया आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में गंभीर। आगरा से हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, देखिए गोली लगने से दरोगा की हालत गंभीर है, माफिया ने पुलिस को गोली मार दी, क्या जानकारी आपके पास ताजा? बिल्कुल शिवानी, इस तरीके का जो घटनाक्रम इरादत नगर थाना में हुआ है, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, दरोगा को गोली मार दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, पूरा फाइन ऑर्डर खत्म हो गया है, पुलिस अधिकारियों को जमीन कर हुआ है और खुलेआम दिन दहाड़े जब खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास जब पुलिस करती है, खनन माफिया उन पर फायरिंग करते हैं, गोली मार दी जाती है। आईजी ए सतीश गणेश ने जनपद के 6 थानों को चिन्हित करके कई के लिए निर्देशित किया था, जिसमें इरादत नगर में निशामक त्यागी नाम का दरोगा खनन रोकने गया था और ट्रैक्टर से खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास किया था, गोली मार दी गई है। गनीमत रही है कि दरोगा निशामक त्यागी की हालत आउट ऑफ कमर के नीचे हिस्से में गोली लगी है, जिसके अलावा खनन माफियाओं करने का दावा करते हैं। सवाल यह है कि खनन माफिया के हौसले कैसे इसने प्रशासन कि जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों है, लगातार पुलिस भी इन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहम जानकारियों के लिए।